नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो / एप्पल कारप्ले दिखाया था और उस पर मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले और लोगों ने कमेंट्स में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो जनरल क्वेरीज थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपकी सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मैंने दिखाया था कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो लोगों का ये पूछना था कि क्या मुझे ये बार बार ब्लूटूथ पर जाके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी नहीं, आपका जो लास्ट पेयर डिवाइस है उसको बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप कनेक्ट कर लेंगे एंड द मोमेंट यू सिट इन द कार वो आपके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सिर्फ MG Aster के साथ चलेगा या फिर और भी कार्स के साथ चलेगा। सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो डिवाइस है मैंने इसको Hyundai Venue के साथ ट्राई कर रखा है, MG Gloster के साथ ट्राई कर रखा है एंड MG Hector के साथ भी ट्राई कर रखा है और उनमें ये बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जिन जिन कार्स में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो / एप्पल कारप्ले है उसमें ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था लोगों का, वो ये था कि ये कितनी देर में कनेक्ट होता है। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक एग्जैक्ट वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि ये कितनी देर में कनेक्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे में जो ब्लूटूथ है और वाईफाई है वो भी किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। मैंने इसको बस सिंपली ऑन कर दिया है और अब मैं अपनी कार को अनलॉक करूँगा। मैंने कार को अनलॉक कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ बैठने गाड़ी में। आपको मैं ब्लूटूथ और वाईफाई दिखाता रहूँगा। देखिए यहाँ पर ये और अपना कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए डिवाइस, मैंने गाड़ी को ऑन किया। मैं इस फुटेज को एडिट नहीं करूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे कि कितनी देर में ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। टुडेज वेदर इज क्लाउड्स एंड सन, 37.2 डिग्रीज इन लखनऊ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है और वर्किंग तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। सो यू कैन सी कि ये कितनी जल्दी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अगला इशू लोगों ने रेस किया वो ये था कि आउट ऑफ द बॉक्स ये MG Aster से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो गाइज लेट मी टेल यू, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एकदम सही बात है कि एंड्रॉयड ऑटो से आउट ऑफ द बॉक्स ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा और Apple CarPlay से ये डायरेक्टली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इसको अपने बॉक्स से निकालेंगे। इस डिवाइस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ओनली थिंग इज कि आपको इसको ओवर द एयर अपडेट करना है और अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको ओवर द एयर अपडेट कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको अपनी कार में बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस डिवाइस को निकाल के अपने घर में ले जा सकते हैं। तो मैं अपने घर में दिखाऊंगा क्योंकि गाड़ी में कितनी देर बैठूंगा। सो लेट्स गो बैक इन आवर रूम। सबसे पहले हमें इस डिवाइस को पावर देना होगा। मैं अपने लैपटॉप को यूज़ करूंगा इसको पावर देने के लिए। मैं इसको USB में कनेक्ट करूंगा। और देखिए यहाँ पर पावर आ चुकी है। अब मुझे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ में जाना होगा और यहाँ पर देखिए कैसे ऑटोमेटिकली ऑटो 59EE कनेक्ट हो चुका है। तो इसको हमें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले इसको डिसकनेक्ट करेंगे, बैक जाएंगे, वाईफाई पे हमें ऑटो 59EE दिखेगा, इसे हमें टैप करना है, हमें इसमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड इज 8x8 3 4 5 6 7 8। मैंने 8x8 दबा लगाया और मैंने कनेक्ट दबा दिया। अब ये कनेक्ट हो चुका है विथ नो इंटरनेट। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क नहीं है, आपको इसको टैप करके यस करना होगा। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हमें अपने ब्राउजर पर जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम, और यहाँ पर हमें टैप करना पड़ेगा एक IP एड्रेस। IP एड्रेस होगा 192.168.1.101। आपको इसको टैप करना होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज पर
आपको बिल्ड नंबर दिख रहा है, यहाँ पर रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग दिख रहा है और कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्विच फ्रॉम पी टू पी, आपको इसको टैप करना है। जब आप पी टू पी टैप करेंगे तो यहाँ पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है न्यू वर्जन अवेलेबल, अभी आपको अपडेट बटन नहीं दबाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वाईफाई प्रेफरेंस में जाना होगा। वाईफाई प्रेफरेंस में जाने के बाद वाईफाई डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा, आपको वाईफाई डायरेक्ट को टैप करना होगा और वेट करना होगा। देखिए यहां पर आ रहा है ऑटो 59EE अवेलेबल, आपको इसको टैप करना है। ये इनवाइटेड लिखा है, इट मींस कि ये कनेक्ट हो चुका है। ये करने के बाद देखिए यहां पर आ गया कनेक्टेड, नाउ इट इज कनेक्टेड। अब आपको वापस अपने 192 वाले पेज पे जाना है और इसको टैप करना है अपडेट। जब आप इसको अपडेट के लिए टैप करेंगे तो देखिए अपडेट शुरू हो जाएगा। एक बार जब ये कंप्लीटली अपडेट हो जाता है तो यू विल सी कि यहां पर आ गया कि द डिवाइस हैज बीन कंप्लीटली अपडेटेड, नो न्यू वर्जन इज अवेलेबल। ये करने के बाद आपकी एस्टर कार में ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए कि आपका ये जो डिवाइस है ये परफेक्टली कनेक्ट हो रहा है विथ एनी अदर कार यू हैव, तो आपको इसको बार बार अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी, ये अपना काम करता रहेगा। अपडेट न्यू कार्स की कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है और ना कि आपकी ऑलरेडी कंपैटिबल कार में इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली यू नीड टू अपडेट योर डिवाइस एंड मेक इट फाइन। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाउ इट इज शोइंग दैट योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। इसके बाद जब आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो जाएगा फिर वापस आप अपनी कार में ले जाइए और इसको कनेक्ट करिए। आई एम 100% श्योर कि इसके बाद MG Aster में प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज कि आपके पास MG Aster नहीं है और आपके पास कोई और कार है जिसमें कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपने ब्लूटूथ पे कनेक्ट किया और वो वहाँ पे ऑटो 59EE से कनेक्ट भी हो गया बट जो ब्लू स्क्रीन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये जो प्रॉब्लम है इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। एंड एज सून एज यू विल रिपोर्ट, वहाँ पे जो चाइना के जो इंजीनियर्स हैं वो लोग इस पर काम करेंगे और आपको ज़रूर अपडेट दे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उनको हम रिपोर्ट कैसे भेजेंगे। रिपोर्ट भेजना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको इसको कनेक्ट करना होगा टू अ पावर सोर्स, जो कि मैं अभी लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावर नहीं यूज़ करता है। इसके बाद हमें वेट करना होगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ब्लूटूथ में ये कनेक्ट तो नहीं हो गया है। अगर ये कनेक्ट हो गया होगा तो हमें इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम जाएंगे वाईफाई पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। वाईफाई में जाके इसको ऑटो 59EE को कनेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये फिर से पूछ रहा है कि ये कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। फिर हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे, दोबारा ये नंबर डालेंगे 192.168.1.101। और उसके बाद हम इसको करेंगे स्विच फ्रॉम पी टू पी, इसने बोला ओके। फिर हम वापस जाएंगे वाईफाई पे, यहाँ वाईफाई प्रेफरेंस, वाईफाई डायरेक्ट जो हमने पहले किया था अपडेट करने के लिए, यहाँ पर देखिए अवेलेबल आ रहा है, इनवाइटेड, कनेक्टेड हो गया है। फिर हमें वापस जाना होगा अपने, यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी का मेक डालना होगा। यहाँ पर आएगा MG, यहाँ पर आएगा मान लीजिए कि Aster में ही प्रॉब्लम आ रही है, Aster मॉडल 2022, और आपको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होगा। माय एंड्रॉयड ऑटो इज कनेक्टिंग बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सपोज आपने ये लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट दबाना होगा। जब आप इसको सबमिट दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है देन लेट मी टेल यू, आपने उन तक वो लॉग नहीं भेज पाए हैं
जब आप ये भेज देंगे देन एवरीथिंग विल बिकम परफेक्ट. फिर आपको ओके लिखना है एंड यू हैव टू वेट. देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द इश्यूज रिजॉल्व, बट अल्टीमेटली योर इश्यूज विल डेफिनेटली गेट रिजॉल्व. एक बार आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लेंगे देन उसके बाद आप अपनी गाड़ी में आइएगा और उसको ट्राई करिएगा. जैसे ही आप ट्राई करेंगे यू विल सी दैट योर डिवाइस इज वर्किंग परफेक्टली लाइक दिस. अगला कमेंट जो मैंने लोगों का देखा वो ये था कि ये एक प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है. देखिए नो डाउट दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट द थिंग इज कि जो ये एक आपको ईज दे रहा है, जो आपको इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के बाद आराम मिल रहा है, दैट इज़ एट पार विद द प्राइस यू आर पेइंग. ये डिवाइस हमारी कार में एक ऐसा फीचर ला के दे रहा है जो कि मिसिंग था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है अगर आप जनरल गाड़ी को ड्राइव करते होंगे. सो गाइज Do not worry, it is a very good purchase. आपको बहुत मज़ा आएगा खरीदने के बाद and you will really like owning this product. So guys, video कैसा लगा do let me know in the comments below and do subscribe if you haven't done already. Have a great day and enjoy your life and keep smiling.